नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं फेस मास्क। ये मैंने इतना बना लिया है, यहाँ तक हाफ, और मैंने ये 20 फंदे डाल के बनाया है। 20 फंदे डाल के शुरू किया है, और हमारी ये फिर ये मैंने उल्टा उल्टा बनाया है। देखिए, 1 2 3 4, यानी कि 8 सिलाइयाँ मैंने उल्टी उल्टी बनाई है यहाँ तक। फिर उसके बाद मैंने ये 8 सिलाई उल्टी बना के फिर हमने ये बॉर्डर बनाया है 5 फंदों का, और उसके बाद बॉर्डर के पास से यहाँ से फंदा बढ़ाया है मैंने, और फिर बीच में प्लेन बना के फिर ये 5 फंदे यहाँ, इससे पहले मैंने यहाँ से ये एक फंदा फिर बढ़ाया है। दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ता गया, तो यहाँ तक मैंने 44 फंदे मैंने बढ़ाए हैं इसमें। यहाँ तक 44 फंदे बढ़ा के फिर ये थोड़ा सा प्लेन बनाया मैंने। देखिए, 2 4 सिलाइयों का, देखिए यहाँ से और यहाँ तक ये 4 लाइनें मैंने बना ली हैं। तो 4 लाइनें बना के आप चाहे जितना बड़ा बना सकते हैं यहाँ पे। इसमें मैंने यहाँ से यहाँ तक कोई फंदा नहीं बढ़ाया, तो मैं आपको यहाँ से शुरू से दिखाती हूँ बना के थोड़ा सा कि किस तरह से स्टार्ट किया मैंने। देखिए, अभी तो हम मेरा हाफ बना है, आधा ही बना है, घटाई शुरू करेंगे फिर यहाँ से हम। तो देखिए, मैं इस पर 16 फंदों में बना रही हूँ, मैं छोटा दिखाती हूँ आपको स्टार्ट करके। उल्टा उल्टा बनाने पर फंदे डाल दिए, 16 फंदे हैं 16, तो मैंने इसमें 20 फंदे डाले हैं। तो ये बड़ा जेंट साइज है। सिलाई को ऐसे मैं उल्टे उल्टे निकाल लूँगी, पूरी हर सिलाई हमने उल्टी बनानी है, उल्टे उल्टे। देखिए, एक सिलाई बन गई मेरी उल्टी सिलाई, और सीधी सिलाई भी हम उल्टी बनाएंगे, उल्टी उल्टी बना देंगे हम 4 सिलाइयाँ। इसको भी हम उल्टा ही बनाएंगे, तो मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। पहले 4 सिलाइयाँ, तब दिखाती हूँ आपको किस तरह बनाना है। देखिए, मैंने 4 ये धारियाँ निकाल दी हैं, यानी 8 सिलाइयाँ बनाई हैं मैंने। तो 8 सिलाई में 1 2 3 अरे 4 धारियाँ हमारी इस तरह से उल्टी उल्टी निकली हैं। तो उसके बाद हमने देखिए फिर से पहला फंदा बिना बुने ले लिया धागा पर करके हम, फिर उसके बाद 5 फंदे, ये देखिए 3 4 और 1 5, 5 फंदे हमने उल्टे बना दिए। फिर हमने फंदा बढ़ाना है, यहाँ से फंदा एक इधर बढ़ाना है तो एक इधर बढ़ाना है। तो देखिए किस तरह से बढ़ाएंगे, आप जिस तरह से भी बढ़ाना चाहो ऐसे ही बढ़ा सकते हैं। फंदा जैसे ये उठा लिया हमने ऐसे, या तो आप इसी पे जो पाँचों फंदा है हमारा, 5 फंदे हैं, पहले उल्टा बना लिया, ऐसे बना लिया, ये उल्टा बन ही रखा है। उल्टा बना के ऐसे इसे छोड़ना नहीं है, इस फंदे को जैसे पहले हमने उल्टा बनाया ऐसे, और फिर उसके बाद धागा नीचे करके और इसी फंदे को हम ऐसे करके सीधा बना देंगे। तो इस तरह से भी हमारा ये फंदा बढ़ जाएगा, और धागा नीचे रहने देंगे। फिर हम उसके बाद बीच के फंदे हम सीधे सीधे बना देंगे, 2 3 4 5 6, 2 6 फंदे हमारे सीधे बन गए। फिर ये 5 फंदे रह गए हमारे बीच में। तो इसके बाद फिर हमने फंदा उठाना है, देखिए मैं उठा के बना रही हूँ ऐसे करके, इसके नीचे से एक जस्ट उठा देना है, देखिए ऐसे, और इसको ऐसे बना देना है धागा ऊपर उल्टे, 5 फंदे उल्टे बना दिए। और उल्टी सिलाई में हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, उल्टी सिलाई हमारी उल्टी उल्टी जाएगी। इसको जो है ऐसे ले लूँगी, क्योंकि पीछे से उल्टा बनाया था, तो ऐसे लूँगी तो सीधा आ जाएगा। देखिए इस तरह से आ जाएगा हमारा सीधा सा, इसको धागा ऊपर कर देंगे फिर ऐसे करके, बिना बुने लिया धागा ऊपर कर दिया, फिर उल्टा बनाएंगे तो ये सीधा सीधा आ रहा है, देखिए मेरा। फिर उल्टी सिलाई हम बिल्कुल पूरी उल्टी बनाएंगे, इसको उल्टी उल्टी बना लेते हैं। देखिए उल्टी सिलाई पूरी हो गई मेरी, लास्ट का भी उल्टा बनाया था हमने। तो ये पहला फंदा हम ये बिना बुने निकाल के मैं ऐसे कर दे रही हूँ धागा ऊपर, और फिर ये
उल्टे बनाएंगे। पहले चार फंदे, पांच फंदे, दो चार और एक पांच, पांच फंदे उल्टे बना लिए। मैं नीचे से ही उठा के लूँगी इस तरह से, फंदा उठा लूँगी, धागा नीचे करेंगे पर फिर सीधा बनाएंगे इसे, जो उठाया हुआ फंदा है उसको सीधा बना लेंगे। बाकी बाकी बीच के हम सीधे बना देंगे, जितने भी सीधे हैं हमारे। एक और बनाएंगे और अब फिर इसको भी उठा देंगे यहाँ से, इसके नीचे से ये लूप सी दिख रही है जो, इसकी ये लूप उठा लेंगे ऐसे करके, ये उठा ली, इसको सीधा बना देंगे ऐसे। बना दिया, उठ गया हमारा फंदा। और ये इसके बाद, और सॉरी, इसके बाद तो हमने उल्टा बनाना है, ये फंदा उल्टा बनाएंगे, पांच फंदे, दो तीन चार और पांच, बस उल्टी सिलाई उल्टी, ऐसे हम उठाते जाएंगे, ऐसे हम उठाते उठाते, और इस तरह से बन जाएगा हमारा, फिर बढ़ जाएंगे 44 बड़े मेरे, तो ये मेरा छोटा है, इसको तो मैं बाद में बनाऊंगी। अब इसी पे आपको मैं घटा के दिखाऊंगी। देखिए इस तरह बना दिया मैंने, इस तरह से बढ़ते जाएंगे यहाँ से, एक 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 एक, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो मैं आपको अभी इसी में दिखाऊंगी आपको बना के, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, पूरा दिखाऊंगी वहाँ से, तो ये क्योंकि मैंने आधा बना रखा है, और यहाँ से मैंने ये प्लेन बनाया, यहाँ से मैंने फंदे नहीं बढ़ाए इसमें यहाँ तक, तो आप जितना चाहो एक इंच तक भी बढ़ा सकते हो, जैसे बड़ा फेस है इसका, जिसका नाप लीजिए अपने फेस पे, और उस तरह से आप नाप के बना सकते हैं। तो मेरा ये बिल्कुल सही आ रहा है, जिस हिसाब से मैंने बनाना है, जेंट्स का है, तो मैं इतना ही बनाऊंगी इसे, और यहाँ से मैं घटाई शुरू कर दूंगी। यानी देखिए यहाँ से, यहाँ से मैंने यहाँ तक ये चार सिलाइयाँ निकाली हैं, इसमें कोई घटाई नहीं की मैंने, यहाँ से देखिए ये दिख रहा है यहाँ से, ये यहाँ से कोई घटाई नहीं हो रखी, यहाँ से एक दो और तीन और चार, चार सिलाई मेरी ये सिंपल है। तो आप जितना भी थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहो उस हिसाब से बना लीजिए आप अपने नाप से। तो मैं यहाँ से आप देखिए, धागा ऊपर करके पहले मैं ऐसी बनाऊंगी, पांच फंदे तो ऐसे बनाऊंगी पहले उल्टे, तीन चार और ये पांच, पांच फंदे हो गए, नहीं पांचों फंदा पे तो हम देखिए, पांच फंदे, चार फंदे हो गए, फिर हम धागा नीचे करेंगे, और ये एक फंदा और एक ही वाला, अब हम दो का एक करते जाएंगे, उल्टे में कर लेंगे, दो का एक करेंगे यहाँ पे ना, जितने हमने फंदे बढ़ाए हैं उतने हमने घटाने भी हैं। तो देखिए दो का एक करेंगे, एक तो ये वाला उल्टा फंदा हो गया, उल्टे फंदे के साथ एक सीधा फंदा, ये दो का एक हो गया, धागा नीचे करेंगे इस तरह से, धागा नीचे, बाकी के फंदे हम सीधे बुनेंगे, लास्ट उल्टे आने तक यहाँ तक सीधे बना लेते हैं, पहले सीधे सीधे बना लेती हूँ मैं। देखिए दो का एक कर देंगे, मैं इन फंदों को करूँगी, एक ही वाला एक ही वाला, उल्टे के साथ करूँगी तो शेप मेरी ख़राब आ जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे मैंने उल्टे में कर दिया था, पर सीधे में करेंगे, दो का एक कर दिया, धागा ऊपर और फिर ये पांच फंदे उल्टे, फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे, उल्टी में कोई घटाई नहीं करनी हमने, इस फंदे को इस तरह से ले लेंगे ऐसे करके, धागा ऊपर कर लेंगे, क्योंकि पीछे वाला फंदा मैंने उल्टा बुना था, तो इस तरह से बिना बुने लेके इस तरह से हमारी धारी आ जाएगी, थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा किनारे। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे, इसमें कोई हमने घटाई नहीं करनी, बना लेती हूँ मैं फिर दिखाती हूँ आपको सीधी सिलाई। सीधी सिलाई पे आ गए अब हम, देखिए फिर दिखा देती हूँ मैं आपको, पहला फंदा, ये दूसरा फंदा है उल्टा, तीन चार और ये पांच, पांच उल्टे फंदे बना के
और यहाँ पे हमने दो का एक करना है। पिछली बार मैंने इसी पे दिखा दिया था, पर इस पे जो है उल्टे उल्टे में बना के थोड़ा शेप ख़राब आ जाएगी, इसलिए मैं सीधे में ही बनाती हूँ। देखिए इन दो फंदों का एक कर लूँगी, क्योंकि हमने दो का एक करना है, तो यहीं पर कर लेते हैं हम दोनों सीधे फंदों में, तो शेप हमारे जो है किनारे से सही आएगी। ये देखिए दो का एक कर दिया हमने, अब पाँच उल्टे भी बन गए हमारे, पट्टी हमारी सही आएगी बिल्कुल। और दो का एक कर देंगे दोनों सीधे फंदों का, उसके बाद हम सारे फंदे बीच के सीधे सीधे बना लेंगे। वह इसी तरह से घटाते जाएंगे हम, एक यहाँ से दो का एक करके यहाँ पे उल्टे से पहले, और यहाँ पे उल्टे के पांच उल्टे के बाद दो का एक करके बनाते जाएंगे। और जब तक हमारे 20 फंदे ना रह जाएं यहाँ तक, तब तक हम बनाएंगे, तब तक हम घटाते जाएंगे। 20 फंदे जैसे इधर है हमारे 20 फंदे, उसी तरह से हमने यहाँ बनाते बनाते जाना है, और घटाते घटाते 20 फंदे रखने हैं हमने। देखिए घटाते घटाते मेरे 22 फंदे रह गए हैं, अब मैंने ये दो फंदे घटाने हैं बस, तो दो देख ले। देखिए फिर से दिखा देती हूँ, मैंने दो का एक किया ये, और फिर ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ बने हैं। फिर इनको इनको भी दो का एक करना है, पर मैंने इस तरह से नहीं करना, ये ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे में सीधा आ जाएगा। इनको मैंने ऐसे किया नीचे से, ऐसे सिलाई लेके ऐसे नीचे से ऐसे इस तरह से करना है, दो का एक कर दिया ऐसे, तो ये थोड़ा ये डिजाइन सा आ जाएगा। ऐसे सिंपल कर देंगे इधर से तो सीधा सा आ जाएगा, घट तो जाएंगे पर थोड़ा डिजाइन नहीं आ पाएगा। बस हमारी ये लास्ट सिलाई है, उसके बाद हम उल्टा उल्टा बुनेंगे आठ सिलाइयाँ, आठ सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये उल्टी सिलाई भी उल्टी बनानी है हमने, सीधी भी उल्टी बनानी है, आठ सिलाइयाँ। जैसे हमारा ये नीचे है इस तरह से, इस तरह से बना के मैं दिखाती हूँ फिर आपको क्या करना है। देखिए पूरा हो गया मेरा यहाँ से यहाँ तक, इनको मैं अब बंद कर दूँगी, बंद जिस तरह भी करते हैं आप, दो का एक करके, दो का एक इस तरह से करती हूँ मैं, पीछे से आगे गिरा दूँगी इसे, इसी तरह से बनाती जाऊँगी। बंद कर देती हूँ मैं इसे, तब दिखाती हूँ मैं आपको आगे इसकी जो है इसकी बांधने की डोर दिखाऊंगी यहाँ से मैं आप किस तरह से बननी है। देखिए बंद कर दिया मैंने ये, अब तीन फंदे ये बंद नहीं करूँगी मैं यहाँ से, देखिए डोर बनाऊँगी इसकी, पीछे से कान में फंसाते हैं इस तरह से, देखिए किस तरह बनाऊँगी। मैंने प्लेन सिलाई ले ली दोनों साइड, जिसके मुँह नहीं रहता, गले बनाने वाली सिलाई होती है अक्सर गले बनाने में यूज़ करते हैं इसे, तो देखिए इस सिलाई से हम ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे ऐसे तीनों फंदों को ऐसे। दूसरी सिलाई भी मैं ऐसी ले लेती हूँ ये वाली, देखिए फिर अब ये इधर से बनाऊँगी मैं, इधर से नहीं बनाऊँगी फिर इधर से ही बनाऊँगी। ये मैंने 10 नंबर से बनाया नीचे वाला, और ये भी मेरी 10 नंबर की है सिलाइयाँ, ये 11 नंबर की है। ऐसे सीधा सीधा बनाते जाएंगे, ऐसे हो गया, फिर यहीं से पीछे से ही ऐसे यहाँ से बनाएंगे ऐसे सीधा सीधा बनाते जाएंगे ऐसे। फिर यहाँ से नहीं बनाना हमने, ऐसे ले आना है इसको, देखिए ऐसे खिसका देना है, क्योंकि इस पर दो मुँह है ना तो दिक्कत भी नहीं होगी। देखिए इस तरह से आ रही है, गोल गोल बनती जा रही है अपने आप में डोरी, देखिए इस तरह से। इसको मैं 4 इंची बना लूँगी तब दिखाती हूँ आपको क्या करना है, इस तरह से बनाना है। देखिए इसे ऐसे बस कुछ नहीं करना, तीन फंदे सीधे बनाए, सीधे बनाए, फिर इधर से नहीं बनाना हमने, नोक वाली सिलाई है ना नोक वाली ले लीजिए आप, इस तरह से इसे इस तरह से आगे कर दीजिए बस, फिर यहीं से फिर शुरू करना है, इसी तरह बनाते जाना है।
आप दो उस सिलाई में भी बना सकते हैं वैसे, पर फंदे थोड़े निकालने पड़ेंगे इसमें। वैसे तीन ही फंदे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, निकाल के फिर इस तरह से आगे कर लीजिए। बस यहीं से बस ऐसे कर देना हमने, और फिर यहीं से बनाना है, हर बार यहीं से बनाना है हमने, तो ये ऐसे गोल गोल आती जाएगी, इस तरह से आएगी। तो बना लेती हूँ मैं, देखिए काफ़ी लंबी बन गई डोर, 4 इंच लगभग बन गई है, देखिए 4 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गई है। मैं इसे अब बंद कर देती हूँ, देखिए इस तरह से मैं 3 का 1 कर देती हूँ इसको ऐसे, और यहाँ पे यहाँ जोड़ दूँगी इसी से ही, इस तरह से जोड़ देते हैं इसको ऐसे करके। ये देखिए ऐसे करके मैंने फंदा निकाल दिया नीचे से, और इसको यहाँ से पलटा देंगे, इसके ऊपर से ऐसे 1 कर दिया, खींच के रहीं पे इसको 1 नॉट लगा देंगे, जुड़ गया हमारा, सिलना भी नहीं पड़ा हमें, इसी तरह से जुड़ गया ये ऐसे, देखिए ये बन गया ना। यहाँ से नॉट लगा के धागे को इधर फंसा देंगे। एक दूसरा भी बना देती हूँ मैं इसी तरह से, फिर दिखाती हूँ। हाँ मेरे जो है पूरी यहाँ से यहाँ तक लाइन है, यहाँ से और यहाँ तक जो है मेरी लाइन है, ये 88 बनी है सिलाइयाँ, 88। तो किस तरह से गिनेंगे हम इनको गिनेंगे, देखिए ये 44 है मेरी, 1 2 3 4 ऐसे करके गिन के, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये 44 है लकी, ये मेरी उल्टी उल्टी धारियाँ, इसका मतलब मेरी 88 सिलाइयाँ बनी है यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से बनाए। देखिए अब यहाँ का बनाना है मैंने, ये बेबी वूल से बनाया मैंने 10 नंबर से, ये जेंट्स के लिए है, ये काफ़ी बड़ा साइज है। देखिए फेस मास्क मेरा बन के तैयार है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।